नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में करेंगे हम इस स्मार्टफोन का प्रॉपर परफॉर्मेंस और गेमिंग टेस्ट। और ये फोन कौन सा है इस जगह में देख सकते हैं। फोन का नाम है Motorola H50 Fusion, मैंने रिसेंटली लिया है। मेरे पास ही इसका 8/128 GB वाला वेरियंट जो कि मार्केट में मतलब फ्लिपकार्ट में अभी करेंटली बिक रहा है एक्जैक्टली 23,000 रुपए पे। इसलिए इस वीडियो में देखेंगे इस स्मार्टफोन का गेमिंग टेस्ट, हीटिंग टेस्ट, जायरो टेस्ट, मतलब इस स्मार्टफोन के मैक्सिमम परफॉर्मेंस या पे टेम्परेचर को कितना ज्यादा पुश कर सकते हैं इस वीडियो में, जिसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सबसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, पहले मैं बोल देता हूँ ये जो टेस्ट मैं एक्चुअली कैसे करूंगा। जैसे कि देख सकते हैं AnTuTu बेंचमार्क स्कोर मैं लगातार 3 बार रन करूंगा, कोई भी रेस्ट नहीं। 3 बार लगातार रन करने के बाद इसमें बैटरी लाइफ कितना डिक्रीज होगा, उस दौरान इसका टेम्परेचर कैसा होगा, ये चीज हमें मालूम चल जाएगा। उसके तुरंत बाद हम करेंगे सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट। इसी में मालूम चलेगा कि अगर हम लंबे समय तक सीपीयू इंटेंसिव काम करेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस वो कैसे मेंटेन रहता है। और उसके बाद फाइनली हम करेंगे BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी और फ्री फायर मैक्स स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम प्ले। और पहले इस जगह देख सकते हैं अभी इसका बैटरी लाइफ है टोटल 100%। तो अभी तो मैं ये टेस्ट शुरू कर रहा हूँ इसके AnTuTu बेंचमार्क स्कोर को लेके। तो AnTuTu का राउंड 1 इधर हो चुका है खत्म। जैसे कि देख सकते हैं बैटरी लाइफ खत्म हुआ है एग्जैक्टली 3%। और अगर मैं इसके टेम्परेचर की बारे में बात करें 39, 38, 36, 39, 37, 36, मतलब पहले राउंड, मतलब जो कि चला ऑलमोस्ट 20 मिनट तक, जिसके अंदर एक बार AnTuTu क्रैश कर चुका है, वो सब मिलाने के बाद इसका मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ है 39 तक आफ्टर राउंड 1 और बैटरी खत्म हुआ है एग्जैक्टली 3%। तो अभी तो हम फटाफट शुरू करेंगे इसका राउंड 2। तो इधर हमारा राउंड 2 होता है खत्म। पहले हम देखेंगे इसका बैटरी लाइफ। देखिए अभी इसका बैटरी लाइफ है 92%। और अगर हम इसके टेम्परेचर की बारे में बात करें 38, 37, 36, 38, 37, 36, मतलब देखिए टेम्परेचर ऑलमोस्ट पहले बार के जैसा ही है। और जो AnTuTu स्कोर उसमें भी आपको उतना ज्यादा ऊपर नीचे नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इसका राउंड 3। और इधर हमारा AnTuTu का राउंड 3 हो चुका है खत्म। बैटरी लाइफ देख सकते हैं अभी 83%। और ये जो AnTuTu स्कोर लगातार रन हो रहा है पिछले 55 मिनट से। और अगर हम टेम्परेचर की बारे में बात करें, इसका टेम्परेचर अभी करें लिए 43, 42, 41, 42, 41, 40, मतलब ये थर्ड बार का जो AnTuTu स्कोर ए रन करने के बाद इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हो चुका है। मतलब इस जगह पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। पीछे के जो एरिया है उसमें मुझे उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं लग रहा, मतलब पूरा पीछे का जो एरिया उसमें एग्जैक्टली सेम टेम्परेचर है, लेकिन फ्रंट का ये जो एरिया वो सबसे ज्यादा है। और अगर हम AnTuTu के बारे में बात करें उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा। तो अभी तो हम शुरू करेंगे इसका सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट। तो सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट हम टोटल 15 मिनट तक रन करेंगे, फिर हम देखेंगे स्टेबिलिटी वो कितना ज्यादा हमें मिलता है या फिर कितना कम हमें मिलता है। तो इधर ही हमारा सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट होता है खत्म। आप देख सकते हैं पिछले ऑलमोस्ट 1 घंटा 12 मिनट से अलग अलग बेंचमार्किंग्स को रन करे, वो भी नॉन स्टॉप। बैटरी लाइफ खत्म हुआ है एग्जैक्टली 18%। और अगर हम इसके टेम्परेचर की बारे में बात करें 43, 41, 39, मतलब ऑलमोस्ट 40, 42, 41, 38, मतलब जैसे AnTuTu के टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ था वही 42, 43 के आसपास, वैसे ही उसमें आपको टेम्परेचर मिलेगा। इधर तो हमारे सभी के सभी जो बेंचमार्किंग टेस्ट वो खत्म होता है। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इसका प्रॉपर गेम प्ले। तो गेम प्ले के लिए हम क्या चीज करेंगे, BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी और फ्री फायर मैक्स। और ये जो मैं अभी गेम प्ले करूंगा आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग इधर ऑन कर दिया, क्योंकि जो लोग स्ट्रीमिंग करते हैं उन लोगों के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते करते गेम प्ले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके सेटिंग के बारे में बात करें तो इसका मैक्सिमम सेटिंग आप देख सकते हैं AltraHDR और अल्ट्रा, इस सेटिंग में आपको मैक्सिमम गेम प्ले करने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका जो ग्राफिक्स उसे HDR पे करेंगे तो ये जो फ्रेम रेट वो हो जाएगा एक्सट्रीम पे। तो मैं इधर HDR जो एक्सट्रीम इस सेटिंग में मैं गेम प्ले करूंगा, जिससे कि मुझे वो थोड़ा बहुत 60fps वाला जो गेम प्ले वो महसूस हो जाए। तो अभी मैं इधर एक गेम प्ले करके देखता हूं।
इधर ही हमारे बीजीएमआई का एक छोटा सा गेम प्ले खत्म होता है। देखिए पहले अगर हम बैटरी के बारे में बात करें, अभी इसका बैटरी लाइफ है 77%, टेम्परेचर के बारे में बात करें 43, 40, 43, 40। अभी देखिए मैंने इससे पहले दूसरे भी स्मार्टफोन इस्तेमाल किया जिसमें मुझे 46-47 डिग्री तक टेम्परेचर मिल रहा था, लेकिन क्योंकि इसके पीछे में मिल रहा है लेदर कवर, लेदर में जनरली जो हीट वो थोड़ा सा ज्यादा महसूस होता है, तो इसीलिए इसका जो टेम्परेचर हाथ में मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन जैसे मैं इसे मेजर कर रहा हूं मुझे टेम्परेचर नॉर्मली लग रहा है गेम प्ले के टाइम। अगर गेम प्ले के बारे में बात करें, मैक्सिमम सेटिंग में अगर आप गेम प्ले खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा कोई इशू हो सकता है। मतलब जो लोग नॉर्मल मेरे जैसे ऐसे कैजुअल गेम प्ले करते हैं मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को इशू हो सकता है, लेकिन जैसे कि हमने कुछ जगह पे देखा होगा, अगर मैं ऐसे टू फिंगर में गेम प्ले करता हूं तो इस जगह देख सकते हैं मेरा जो उंगली का ये जो एरिया इस जगह पे आ रहा है, तो इसलिए हो सकता है सच दूसरे जगह पे टच हो रहा है। इसलिए ऐसे करते करते अगर मैं किसी जगह पे मूव कर रहा तो कभी कभी ऐसा हो रहा है कि जो मूवमेंट वो उस जगह पे हो नहीं रहा, वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। और ये कोई डिस्प्ले का इशू नहीं है, ये एक्चुअली कार्ब रिसीवर वाले जो भी स्मार्टफोन लॉन्च होता है उसका एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो कार्ब रिसीवर वाला स्मार्टफोन जनरली मूवी वगैरह देखने के लिए सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन अगर आप गेम प्ले करेंगे तो ऐसे टच का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, क्योंकि देखिए कार्ब डिस्प्ले दूसरी जगह पे भी टच हो सकता है। तो इसलिए मैं ये चीज कहना चाहूंगा, अगर आप नॉर्मल तरीके से गेम प्ले करेंगे मतलब कैजुअल गेम प्ले करेंगे कोई भी इशू नहीं, लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव लेवल पे गेम प्ले करेंगे शायद ये जो स्मार्टफोन आप लोग के लिए उतना बढ़िया नहीं होगा, स्पेशली ये जो कार्ड डिस्प्ले और मिस टच के लिए। इसके बाद अगर हम इसके जायरोस्कोप सेंसिटिविटी के बारे में बात करें तो इस जगह देख सकते हैं मैंने इधर जायरोस्कोप को ऑन कर दिया है, और अगर मैं इसके डिस्प्ले को ऐसे मूव करता हूं तो आप देख सकते हैं लेफ्ट से राइट एकदम आसानी से मूव हो रहा है। मतलब जो लोग जायरोस्कोप यूज करके गेम प्ले करना पसंद करते हैं मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए ज्यादा कोई इशू हो सकता है, मुझे तो जायरोस्कोप यूज करके बिल्कुल भी नहीं आता। अगर आपको आता है तो आप मुझे कम से जरूर बताइए इसका जो जायरोस्कोप सेंसिटिविटी वो प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैसा है। अच्छा वैसे इस जगह मैं एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा, ये जो मैंने मिस टच का इशू के बारे में बताया ये जो इशू सिर्फ आपको बीजीएमआई में भी मिलेगा, क्योंकि अगर मैं कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर फ्री फायर मैक्स खेलता हूं जो कि मैंने ऑब्वियसली ट्राई करके देखा है उसमें मुझे ऐसे कोई भी मिस टच का इशू अभी तक देखने को नहीं मिला, इसलिए मेरे ख्याल से शायद इसके प्रोसेसर के साथ ये जो गेम वो उतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है, मतलब पर्टिकुलर जो बीजीएमआई वो उतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में, तो अगर हम कॉल ऑफ ड्यूटी में इसके मैक्सिमम सेटिंग के बारे में बात करें तो देख सकते हैं ग्राफिक्स हाई जो फ्रेम रेट वो आपको मिलेगा मैक्स। और हाँ एक चीज मैं आपको दिखाना भूल गया, इसमें आपको एक पार्टिकुलर गेम मोड मिलेगा जैसे कि देख सकते हैं ऐसे करके जो परफॉर्मेंस मोड आप इसे सिलेक्ट कर सकते, तो ये जो मैं गेम प्ले या फिर जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वो मैं एक्चुअली परफॉर्मेंस मोड टर्बो इस मोड पे मैं कर रहा हूं। अगर आपको पसंद है तो आप बैलेंस या फिर बैटरी सेविंग में भी कर सकते, ये चीज ध्यान में रखना। तो अभी तो हम कॉल ऑफ ड्यूटी में ये जो मैक्सिमम सेटिंग इसे यूज करके एक नॉर्मल गेम प्ले शुरू करते। इधर हमारा कॉल ऑफ ड्यूटी का एक छोटा सा गेम प्ले खत्म होता है, इसमें मुझे गेम प्ले में कोई भी इशू नहीं हुआ, और जैसे कि मैंने आपको बीजीएमआई पे कहा था कि जो मिस टच का इशू हो रहा है इसमें मुझे ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। तो इसलिए मेरे ख्याल से शायद इस स्मार्टफोन के अंदर जो प्रोसेसर है बीजीएमआई के साथ उतना ज्यादा कॉम्पिटिबल अभी के लिए नहीं है, शायद फ्यूचर में हो जाएगा, लेकिन कॉडम में आपको कोई भी इशू नहीं मिलेगा। और अगर मैं इसके टेम्परेचर के बारे में बात करें 44, 41, 40, 44, 41, 39, मतलब ऑलमोस्ट 40। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्री फायर मैक्स के बारे में, तो अगर हम इसकी भी मैक्सिमम सेटिंग के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं ग्राफिक्स मैक्स हाई रेजोल्यूशन हाई शेडो ऑन और हाई एपीएस को मैंने इधर हाई करके रखा है। तो अभी इधर मैं एक छोटा सा गेम प्ले शुरू करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें हमें कैसा स्मूथनेस मिलता है। Thank you.
इधर हमारा फ्री फायर का एक छोटा सा गेम प्ले खत्म होता है। पहली बात तो स्मूथनेस में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर हम टेम्परेचर की बारे में बात करें, जैसे कि देख सकते हैं 42, 40, 40, पीछे अगर बात करें 42, 40 और 40, मतलब आगे पीछे ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर है। लेकिन जो इशू मुझे लगा वो इसका मिस टच का इशू, जो कि मुझे बीजीएमआई पे लगा था। जैसे कि इस जगह देख सकते हैं, हो सकता है कि इसमें हमें कार्व डिस्प्ले मिल रहा है, तो दो के बजाय अंदर में मैं दूसरी जगह पे भी टच कर रहा था, इसलिए हो सकता है शायद इसमें हमें ये जो मिस टच का इशू मिल रहा, जो कि कार्व डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन में थोड़ा सा कॉमन रहता है। तीसरे में ये चीज कहना चाहूंगा, अगर भी स्मार्टफोन को एकदम कैजुअल गेम प्ले के लिए करेंगे आपको कोई भी इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे गेमिंग करना चाहते हो सकते कि इसका जो प्रोसेसर वो बिल्कुल कैपेबल है, इसका जो टेम्परेचर कंट्रोल या फिर जो बैटरी ड्रेन वो भी ठीक ठाक है, लेकिन क्योंकि कार्ड डिस्प्ले मिल रहा है तो इसीलिए मेरे जैसे इधर ही आपको मिस टच का इशू हो सकता है। और अगर हम फाइनली इसके बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें मैं लगातार 2 घंटे से बेंचमार्किंग स्कोर या फिर जो गेम प्ले में मैक्सिमम सेटिंग में और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए कर रहा हूं, तो आप इसका बैटरी लाइफ देख सकते हैं। अभी इसका बैटरी लाइफ एग्जैक्टली 68%, इसका मतलब 2 घंटे में अगर मैक्सिमम सेटिंग में गेम प्ले करने पर बैटरी खत्म हुआ है 30% के आसपास, तो मेरे ख्याल से इसमें आपको 5 से 5.5 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा अगर आप इस लेवल पे यूज करेंगे। तो अभी आप मुझे कम से जरूर बताना कि इसका जो गेम प्ले या फिर जो परफॉर्मेंस टेस्ट वो आपको कैसा लगा, और इसके बाद आप इस फोन के ऊपर कौन सा रिव्यू देखना चाहते उसके बारे में मुझे जो क्वेश्चन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।